स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की कैसी रेसिपी ना, जो बिल्कुल मछली की जैसी लगती है। इसीलिए इसके लिए हमको इसके मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है। हम काट के आपको दिखाते हैं। इसमें ना लहसुन प्याज पड़ेगा, ना ही कोई मसाला पड़ेगा। बिना मसाले का बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही हेल्दी खाना। ये देखिए, हमने बैंगन को काट लिया है ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में। अब इसमें हम डेढ़ बड़े चम्मच नमक, एक बड़ी चम्मच हल्दी मिला के रखेंगे। ये देखिए, हमने नमक हल्दी दे दिया है, सबसे अच्छे से मिला लेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी इस टाइप से बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी होती है, बिल्कुल मछली के जैसा होता है। अब इसको हमको फ्राई करना है, जैसे कि हम मछली को फ्राई करते हैं। इसके लिए हम गैस ऑन कर ले पहले। ये देखिए, कढ़ाई ऑन कर लिया है। कढ़ाई में मेरा पहले से थोड़ा सा तेल था, अब हम इसमें 150 ग्राम के जितना तेल डालेंगे। ये देखिए, हमने तेल डाल दिया है। तेल जब तक गर्म नहीं होगा तब तक हम बैंगन नहीं छोड़ेंगे इसमें। और आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस टाइप से बनाए हैं वीडियो। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें अपना बैंगन डालेंगे इस तरह से सारे बैंगन डालेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको यदि समझ में आए कि आज कौन सी सब्ज़ी बनाना है तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए, हमने ऐसे करके हमको बैगन को डालना है। ये देखिए, एक बार इतना ही बैगन डालेंगे। जब हमारे बैगन एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, हमारे बैगन एक तरफ से पक गया, हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। अब दूसरा साइड में भी पका लेंगे। ये देखिए, हम सारे बैगन एक तरफ पलटेंगे। ये देखिए, हमने सारे बैगन को पलट लिया है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही झटपट बन जाती है। इतनी टेस्टी होती है ना, बिल्कुल मछली के जैसी होती है। ये आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। आप कोई सब्ज़ी बना के मत बनाए सकते हैं, सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत ही अच्छी होती है। हमारी बैंगन दूसरी तरफ से भी पक चुके हैं। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, हमने बैंगन को निकाल लिया है। आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाकी बैंगन को भी इसी तरह से आप फ्राई कर लीजिएगा। देखिए, ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ये आपके लिए और भी बेस्ट है। ये एकदम वेज का मछली है, ये बहुत ही अच्छी होती है। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, इसे चावल के साथ रोटी के साथ खाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक यू।